क्या क्या आ रहे हो आज क्या किया क्यों आ रहे हो आपको क्या बोला आज यानी कि मेरे नहीं मैंने आपको क्या बोला मैं 357 की तार लगा दूंगी तारे लगाऊंगी इतने समझता नहीं समझती हूं मैं एक से लेके जितनी भी तार है लेके सभी लगा दो जितनी आती है ना उतनी सब देती हूं मैं मेरी बात सुनो जितनी लगती है उतनी लगा दो जितनी मैं लगा दूंगी वो क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें ऐसे जितनी आपको लगानी है उतनी लगा दो और ज्यादा अच्छा क्या क्या जुड़ो आपके बताओ चलो बाहर चलो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है सोचो मैं पास आके लगा मेरे को कुछ नहीं करना मेरे पास चलो बाहर चलो मेरे बीच में मेरे बीच में आप क्या करो आप मेरे शहर में जाके क्या करो आपका मैं क्या करूँ आपका आप क्या करो हमने भी जनता के विकास के लिए लगा दिया आपने तोड़े तो हमने जनता के विकास के लिए लगा क्या लगाया तोड़ दी हमने आपने लगा हमने तोड़ दी बस ठीक है तो जो भी है आज मेरे पीछे मजा नहीं जुटनी है ऐसे बात बात करने की जुटनी है ज्यादा पांच बड़े है ना काम करो काम जनता ने आपको काम करने की चुना है अंदर बैठने के लिए नहीं चुना समझे अब बोलो उस टाइम होता है जा रहे थे बोलने के लिए मैं कर दूंगी अब करके दिखाओ काम करने के लिए तो काम करनी पब्लिक के आप तो बैठे रहेंगे तो आराम से दो महीने ऐसे झूठे बच्चे में रुक जाओगे
अरे आपसे भी कमरे में जाके बोल रही है तीन दो छीन तो लगा दूंगी, कोई बात ही नहीं, तीन दो चौवन फोन की कोई। अच्छा हाँ मेरे से यार, मेरे सारे बच्चे ऐसे लगी थी, मेरे से कुछ ही कहो आप मेरे लिए, क्यों ये कुछ ही कहो आप, मैंने बोला क्या आपको ऐसे कौन सी तीन सौ चौवन की कौन सी जा रहे हैं आप, ऐसे क्या जाने बढ़ा रहे हो आप, अपने आगे बताओ ना क्या रहे कैसी होती जा रहे हैं। ऐसे सुने अकेले में देख के लेडीज को भाई जमा दूंगा, ऐसे ज्यादा ऐसे छोटका से आ रहे तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तो अब करके बताओ लेकर आऊँ मैं तेरे बीच में क्या गया मैं, तुम तो आ जाओ यार ज्यादा मैं तो इज्जत दे रहा हूँ, क्या कर लेंगे मेरा बता, अब करके बता मेरा अरे तो आरोप लगाओ तुम्हें, ऐसे जा रही है ऐसे चढ़ रही है, अब बुलाओ उसको, मैं कह रहा हूँ उसको लगे चार साल मुझे बोल रहे चार साल में काम हो रही थी, बुलाओ बुलाओ उसको, ऐसी डरने लगा कि डरा दूंगा जो भी रोजवर्क है वो काम हो रहे हैं, ये तो आपको पूरा चार्ज नहीं मिला, जैसे चार्ज मिलेगा बाकी जो काम पेंडिंग है वो भी हो जाएंगे, लेकिन जो मेरे साथ चैम्बर में आके जो इन्हें बदतमीजी करने की कोशिश की वो इस चेयरमैन पद के लिए एक अशोभनीय घटना है। ऐसा जो ऐसी महिला है ना, ऐसे गांव में ऐसी कोई महिला ही नहीं होगी जैसे झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मेरे साथ और भी बात सब मेरे को ये बोला कितना है जो मेहमान सम्मान देगी बात करूँ, चेयरमैन जी बताओ क्या बात है, बोला तू क्या कर लेगा तेरे ऊपर 304 लगा दूंगी, क्योंकि ऐसी तो कोई बात ही नहीं, 304 में कहा तेरा क्या कर दिया मैंने, तेरे से तो कोई बात ही नहीं की सुबह से, बोले आप हमारे काम के बीच में आ रहे हो, अरे मैं भी गांव का नेता प्रतिपक्ष हूँ, आम लोगों की जो प्रॉब्लम होती है समाधान करने की मेरी जिम्मेदारी है, मेरे पास आई कुर्सी के पास आने लगी और हाथ उठाने लगी, मैं दूर हो गया महिला है तो अब मैं उसको कहना चाहता हूँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर तेरे में दम है 354 जो भी तेरे दा रहे हैं ना वो सारी लगा दे, यहाँ खड़ी होगी बता दे मेरे को, मैं मान जाऊंगा उसको कि वो चेयरमैन है गांव की, महिला पद का दुरुपयोग नहीं उठाना चाहिए, मैं उनको अश्लील भाषा से कभी बात भी नहीं की, हमेशा मान सम्मान देकर बात करता हूँ मैं उससे। कल जो मामला हुआ उनका आरोप है कि आपने उनके साथ अभद्रता कुछ ऐसी कुछ चीज हुई, ऐसा कुछ मामला ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे पब्लिक थी, कोई ऐसे तो नहीं भी कोई बंद कमरे में था जो अभद्रता करूंगा, सबके सामने वहाँ बैठे थे, भगवान जय श्री राम की फोटो वहाँ लगनी चाहिए थी, वो बैनर हमारा बनाया हुआ है, लेकिन इनको जय श्री राम नहीं चाहिए, इनको तो अर्चना कुमार की फोटो वहाँ लगनी चाहिए, जबकि रामनवमी का जो दशहरा होता है सब लोग के पावन अवसर में आराम से धूमधाम से मनाए, ये चीजें वहाँ होनी थी, लेकिन इनको तो अपनी फोटो आनी चाहिए, और जो दशहरे का जो जय श्री राम का पोस्टर था उसको इन्होंने वहाँ से ठेकेदार से कह के वापस मंगवा लिया। आज जो घटनाक्रम हुआ है ताला लगा दिया गया, क्या आमजन को इससे विकास होगा क्या, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आप आमजन का पूरा इसमें नुकसान पूरा हो। जब से बीजेपी का बोर्ड बना है तब से आप सब जानते हैं, चुम्बकी जनता जानती है कि आमजन का क्या भला हो रहा है, आज तो ये हमारे ऊपर उप थोड़े चार साल से तुम्हारा चेयरमैन था, तुम्हारा एमएलए था, सब कुछ तुम्हारा था, तब तो तुमने कर क्या लिया इस नगर पालिका में, सब बेचारे खिखा के आते जाते हैं, और अब ये बोल रहे हैं कांग्रेस वाले विकास, कांग्रेस वाले ने किसका हाथ पकड़ लिया जो विकास नहीं होने दे रहे, आप चेयरमैन हो काम करो जनता के। अब चेयरमैन अभी धरने पर बैठी है और बता रहे कि कार्यवाहक ईओ ने भी उनकी आदेशों की अवहेलना की और वो उनके सस्पेंड की मांग कर रहे हैं। ये जो धरने प्रदर्शन होते शांति से होते हैं, उनका हम भी धरने करते थे, हमने कभी भी चेयरमैन से इनसे सबसे बात नहीं की, चेयरमैन अपना काम करे कि धरने पर बैठे, हमने डिस्टर्ब भी नहीं किया, आप बैठो आप काम में सरकार में धरना देने काम तो आप करो, हमें कोई हमने उठाने के लिए नहीं कहा भाई उठ जाओ, लेकिन पालिका का कार्यालय खुलेगा, मैं भी बैठा था, कर्मचारियों को डरा धमका की सबको बाहर ले कि बाहर चलो बाहर चलो, उनको पता ही नहीं क्या स्थिति यहाँ पे, क्या कर्मचारी को ऐसे बाहर निकाला जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नियम ही नहीं है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अपना काम करते हैं, नेता अपना काम करते हैं, अगर इनको कोई समस्या है तो आप धरना दें और वहाँ बैठो, आप पूरा गांव जानता है क्या स्थिति इस चोमू नगर पालिका की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद अब ये हमें कह रहे हैं ये कर रहे हो, एसीपी में सारे मामले पेंडिंग आप सब जानते हो, फिर उसके बावजूद ही हमें कह रहे हैं तुम काम नहीं होने देते हैं। ठीक है।